अब खबर सामने आ रही है शुजालपुर से, जहां पर नगर का पशु चिकित्सालय जर्जर अवस्था में हो चुका है। लगभग 60 वर्ष पुराना यह अस्पताल अब गिरने की कगार पर आ चुका है, जिसे बचाने और पशु चिकित्सालय चलाने के लिए कई आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी मदद अब तक नहीं की गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। शुजालपुर नगर का पशु चिकित्सालय अब जर्जर अवस्था में हो चुका है। लगभग 60 वर्ष पुराना यह अस्पताल अब गिरने की कगार पर पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार शुजालपुर अनुभाग का यह एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर लोग अपने मवेशियों का उपचार कराने आते हैं, लेकिन यहां पर उपचार कर रहे डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों को यहाँ पर उपचार करने में डर लगने लगा है, क्योंकि यह हॉस्पिटल कभी भी जमींदोज हो सकता है। विभागीय रूप से कई बार नए भवन की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने इस ओर कोई पहल नहीं की है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि इस मवेशी हॉस्पिटल की हालत क्या हो रही है। वहीं इस मामले में पशु चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर आशीष मार्डिक ने बताया है कि कई बार पत्र दिया जा चुका है, लेकिन विभाग ने कोई पहल नहीं की है। विगत 60 वर्षों से यहाँ पर कोई विकास कार्य या फिर नया निर्माण नहीं हुआ है। मैं पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय शुजालपुर, डॉक्टर प्रशांत भारी जी। सर, परिसर लगभग जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका, कितना पुराना है और इस माहौल में किस तरह से काम कर पा रहे हैं? ये लगभग 50 वर्ष पुराना भवन है और अभी हमने नीचे फर्शीकरण का काम करवाया है PWD के द्वारा जी, और दो बार PWD के अधिकारी द्वारा इसका सर्वे भी किया जा चुका है जी, और इसका एस्टिमेट भी उनके द्वारा बनाया गया है जी। अब वो बजट का इंतजार है, बजट जैसे ही आएगा जी, इसका दोबारा जो है सीमेंटिंग कार्य, मरम्मत कार्य करके इसको व्यवस्थित किया। क्या नए भवन की भी मांग की जा सकती है? नहीं, इसी भवन को यदि वो सीमेंटिंग और ये कर दिया जाए, प्लास्टर कर दिया जाए तो ये अपने आप में मजबूत हो जाएगा। थैंक यू। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।